जहरीली शराब से मौत को लेकर नीतीश विधानसभा में नाराज हुए, तो वहीं बिहार के आपको बता दें निषेध मंत्री का विवादित बयान सामने आया है। मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि अंग्रेजों के जमाने में भी कानून टूटते थे, दूसरे राज्यों में जहां शराबबंदी कानून नहीं है वहां भी जहरीली शराब से मौत होती है। बिहार में पहले भी जहरीली शराब से मौत हुई है, सीआरपीसी आईपीसी होने के बाद भी अपराध की घटनाएं होती है। कानून तो अंग्रेज़ों ने भी बनाया 100 साल से पहले, लेकिन सीआरपीसी आईपीसी आज़ाद हुआ, लेकिन तब भी चोरी की घटनाएं या मर्डर की घटनाएं घटती हैं। तो कानून तो वही लोग मानते हैं जो कानून का पालन करते हैं, लेकिन कानून तो तोड़ने वाले भी लोग होते हैं समाज में। आपको ये भी बता दें कि जहरीली शराब से अन्य राज्यों में जहाँ शराबबंदी नहीं है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, और बिहार में भी शराबबंदी कानून लगने के पूर्व मौतें हुई हैं, तो फायदे के लिए लोग इस तरह की कार्रवाई करते हैं। और बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब का कारोबार भी तेजी से चल रहा है। जहरीली शराब के कारण आए दिन बिहार के किसी न किसी जिले में लोगों की जान जा रही है। इस बार बिहार के छपरा जिले के मशरक और इशुआपुर से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। बहुत बेचैनी में थे और बोले कि ऐसे आँख से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, हमको आँख से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और हम लोग परेशान हो गए, मशरक हॉस्पिटल में ले गए। उल्टी हुआ, उसके बाद एक बार इनका ज्यादा तबीयत खराब होने लगा था, हम लोग गाड़ी में लेके अस्पताल गए, वहाँ से वहीं पर डेथ कर गए। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है, पीड़ित परिवार के लोगों से पूछताछ हो रही है, साथ ही नकली शराब बनाने वालों की धरपकड़ भी शुरू कर दी गई। उधर बिहार में जहरीली शराब के बढ़ते कारोबार को लेकर बिहार की सियासत भी गर्म है। गठबंधन के नेता जहरीली शराब की खरीद फरोख्त के लिए शराबबंदी को मुख्य वजह मानते हैं। बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत अब एक आम बात हो गई है, बावजूद इसके कोई सख्त कार्रवाई शासन की तरफ से नहीं की जा रही। 5 अगस्त 2022 को बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब से 9 लोगों की मौत हो गई और 17 लोगों ने अपनी आँख की रोशनी गंवा दी। वहीं 21 मार्च 2022 को बिहार के 3 जिलों में जहरीली शराब पीने से 37 लोगों की मौत हो गई थी।